हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू। रेसिपी किचन विद नीतू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भिंडी की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूं फ्रेंड्स, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, आपने आलू फ्राई तो ज़रूर खाया होगा, मिर्च फ्राई, तो ये भिंडी की बिल्कुल नई तरीके की रेसिपी फ्रेंड, भिंडी फ्राई। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्रेंड ये रेसिपी बनती है। तो इस रेसिपी को सीखने के लिए फ्रेंड आपको वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको रेसिपी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस भिंडी फ्राई बनाने के लिए यहाँ फ्रेंड हमने 300 ग्राम के लगभग भिंडी ले ली है। अब इस भिंडी को करना क्या फ्रेंड, इन्हें पहले अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसके पानी को अच्छे से सुखा दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड इस रेसिपी के लिए हमें थोड़ी सी ड्राई भिंडी का यूज करना है। तो भिंडी अच्छे से ड्राई हो गई है, तो बस इस भिंडी के जो किनारे वाली साइड होती है फ्रेंड, उन्हें हमें इस तरीके से कट करके हटा देंगे। तो चलिए फ्रेंड भिंडी को कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से नाइफ की सहायता से भिंडी को हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए किनारे की साइड हमने हटा दिए। तो यहाँ फ्रेंड हम बड़ी भिंडी है, तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। अगर फ्रेंड छोटी भिंडी आप ले रहे हैं तो उसे एक सिंगल ही रहने दीजिएगा, उसे कट ना कीजिएगा। इस तरीके से देखिए हमने भिंडी को कट कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने भिंडी कट कर ली है। और भिंडी की जो अंदर के बीजे वाले पार्ट होते हैं फ्रेंड, उसे हमें हटा देना, क्योंकि इस रेसिपी में हमें इसे बीजे वाले पार्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से बीजे को हटा देंगे, देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको सभी भिंडियों को इस तरीके से कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से इसे बीजे को हटा देंगे हम, और इसे फ्रेंड पतली पतली स्लाइस में हम इसे कट करेंगे। जैसे फ्रेंड आप फ्रेंच फ्राई बनाते सेम उसी तरीके से आपको ये रेसिपी बनानी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर फ्रेंड आपको भिंडी खाना नहीं पसंद है तो एक बार इस रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपकी फ्रेंड ये भिंडी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाएगी। आप हमेशा इसी तरीके की रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड हमने भिंडी को इस तरीके से कट कर लिया, सभी भिंडी को इसी तरीके से फ्रेंड हमें कट करके बिल्कुल ऐसे ही रेडी कर लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ हमने सभी भिंडी को अच्छे से कट कर लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल जैसे आप आलू की फ्रेंच फ्राई बनाते सेम उसी तरीके से। ये देखिए हमने भिंडी को बिल्कुल पतली पतली स्लाइस में कट कर लिया है। तो बस अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर बेसन। तो यहाँ हम 2 से 3 चम्मच के लगभग बेसन ऐड करेंगे। अब इसमें साथ में ऐड करेंगे यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होता है फ्रेंड, ये जो भिंडी होती है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो 2 चम्मच के लगभग हम इसमें डाल देते हैं। तो फ्रेंड अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ में आप इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तो लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। आप इसमें 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, ये भुना धनिया पाउडर फ्रेंड। साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर। इन सभी मसालों को डालने के बाद अब इन्हें करेंगे फ्रेंड अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड अभी आपको इस पर पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले सभी चीज़ें अच्छे से भिंडी के साथ मिक्स कर लीजिएगा, ताकि सभी मसाले और बेसन भिंडी में अच्छे से कोट हो जाए। तो बस इस तरीके से देखिए हमने कर लिया इनको अच्छे से मिक्स। तो अब इसमें लास्ट में हम यहाँ पे ऐड करेंगे फ्रेंड नमक। इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड नमक, तो यहाँ 1 टेबल स्पून के लगभग नमक का यूज कर आप अपने टेस्ट के अनुसार ही नमक डालिएगा। तो नमक डाल करके इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। तो फ्रेंड यहाँ हमने नमक लास्ट में इसलिए डाला था क्योंकि फ्रेंड जो भिंडी है वेजिटेबल है, तो इसमें थोड़ा सा वाटर फिर पानी रिलीज होने लगता है, तो इसलिए लास्ट में यूज करना चाहिए। तो बस अब इसमें 1 से 2 चम्मच इसके लगभग हम इसमें पानी डाल देंगे, ताकि जो इसमें मसाले या फिर बेसन अच्छे से इसमें कोट हो जाए। तो आपको पानी का यूज फ्रेंड इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, तो आप 2 से 3 चम्मच पानी और ले लीजिएगा। तो फ्रेंड आपको इसमें ज़्यादा पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इन्हें मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से। तो फ्रेंड ये बिल्कुल बन रेडी है। तो चलिए फ्रेंड अब इसे अच्छे से फ्राई कर ले। तो इसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी, ऑयल को हमने बहुत ही बढ़िया सा हीट कर लिया। हीट करने के बाद गैस को थोड़ा सा लो फ्लेम कर दीजिएगा। लो फ्लेम पे सभी चीज़ों को बढ़िया सा डाल देंगे इस तरीके से। इसको डालने के बाद आप गैस को लो टू मीडियम कर दीजिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे बहुत ही बढ़िया सा अच्छे से फ्राई करेंगे। तो पहले आपको डालने के बाद इसे टच बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ सेकेंड बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से, कलछी से देख सकते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं इस तरीके से भिंडी को आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है।
एकदम फ्रेम हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना फ्राई कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो भिंडी है वो कुरकुरी क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो ऐसे हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, उलटते पलटते हुए बढ़िया सा इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा गोल्डन कलर, तब हम इस भिंडी को निकाल लेंगे। तो बस ऐसे अच्छे से इनको फ्राई करना है। इसे फ्राई करने में फ्रेंड टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत ही कम समय में आप ये रेसिपी को बना सकते हैं। और देख सकते हैं इसका जो कलर है कितना चेंज हो गया, और हमारी भिंडी बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो गई। इन्हें हम निकाल लेते, इसी तरीके से सेकेंड बैच वाली भिंडी को भी बना के रेडी कर लेते। ऐसे हमने देखिए फ्रेंड इसमें हमने डाल दिया है। आपको फ्रेंड 2 मिनट के लिए ऐसे ऐसे छोड़ देना है, उसके बाद फिर हम इसे कलछी से इस तरीके से चलाते जाएंगे और भिंडी को बढ़िया सा अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपको अच्छे से इसे फ्राई करके बिल्कुल रेडी कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इसमें गोल्डन सा कलर आ गया, और यह हमारी भिंडी बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो गई। इन्हें हम निकाल लेते हैं, और देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड हमारी भिंडी फ्राई बन करके बिल्कुल रेडी हो गई। मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी, आप इसका लुक देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्रेंड ये कुरकुरी भिंडी फ्राई बन करके बिल्कुल रेडी हो गई। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी, और इसे बनाना फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है। आप इसे फ्रेंड चाय के साथ खाइए या फिर किसी भी केचप चटनी के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड आपको भिंडी खाना नहीं पसंद है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, आपकी भी भिंडी बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाए बिल्कुल मेरी तरीके से। तो मुझे भी फ्रेंड भिंडी खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, भिंडी की कोई भी रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली। देख सकते कितनी ज़्यादा कुरकुरी हमारी फ्रेंड भिंडी बनी है। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नए आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए फ्रेंड। तो मैं आपके लिए ऐसी और भी नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी, तो फिर मिलेंगे ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।